हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीना नीटिंग। आज देखिए, हम एक कलर में ये वाला पैटर्न बनाना सीखेंगे। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, टॉप में, स्टॉल और शॉल में भी इस पैटर्न को आप डाल सकते हैं। देखिए, और ख़ास तौर पर ये समर सीजन के लिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है। देखिए, इसमें जाली थोड़ी बड़ी आती है इस तरीके से, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर जो मैंने इसके लिए वूल यूज़ किया है वो कॉटन यार्न है। कॉटन यार्न बहुत अच्छा रहता है समर में। देखिए, ठंडा ठंडा सा रहता है ये वूल। तो मैंने यहाँ पर इस डिज़ाइन को इस वूल में बनाया है। आप किसी भी वूल में बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए, इसके फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 10 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। यानी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में डिज़ाइन को बनाएँ, 10 के मल्टीपल से फंदे लें और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखें, तो आपका पैटर्न बिल्कुल फिट आएगा। और ये पैटर्न हमारा 6 सिलाई में बनकर तैयार होता है। यानी कि इतना पैटर्न हमारा 6 सिलाई में बनेगा। राइट साइड से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड, इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 10-10 के मल्टीपल से फंदे लिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, तो टोटल हमारे 23 फंदे हैं। अब देखिए, पैटर्न की पहली सिलाई, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो देखिए, सिलाई यहीं पर कंप्लीट हो गई, उल्टी सिलाई। जैसे फंदे नज़र आएंगे हमें ऐसे ही बुनने हैं। देखिए, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 फंदा सीधा बुन लेंगे, अब 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 5 फंदे यहाँ पर उल्टे बुन लेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई। सिंपल ही थी, जैसे फंदे नजर आए हमने ऐसे ही बुन लिए। अब यहाँ पर देखिए, सीधी सिलाई को ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा पैटर्न बनेगा। तो देखिए, ध्यान से देखें, 3 फंदे ये तो हमारे सिंपल ही चलेंगे, 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा, तो ये हम सिंपल ही बुनेंगे। अब देखिए, ये 5 फंदे जो हैं इन पर हमारा पैटर्न बनेगा। तो एक फंदा सिंपल बुनेंगे, एक फंदा ऐसे डबल धागे के साथ बुनेंगे। देखिए, एक फंदा सिंपल बुनेंगे, एक फंदा डबल धागे के साथ बुनेंगे, फिर से एक फंदा सिंपल बुनेंगे। तो देखिए, 5 फंदों पर हमें यही करना है। एक फंदा हमने सिंपल बुना, एक डबल धागे के साथ, एक सिंपल, एक डबल धागे के साथ, एक सिंपल। अब ये वाले फंदे फिर से वही, एक उल्टा, 3 सीधे। तो ये हमारे फंदे जो बीच में हमारे चल रहे हैं, ये पूरे पैटर्न में ऐसे ही बनेंगे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा। बाकी 5 फंदों पर ही हमारा पैटर्न बनेगा। तो एक फंदा देखे सिंपल बुनेंगे, एक फंदा डबल धागे के साथ, एक फंदा सिंपल, एक फंदा डबल धागे के साथ, एक फंदा सिंपल, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 3 फंदे लास्ट के ये सीधे बुन देंगे। तो सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई। उल्टे सिलाई को देखिए ध्यान से, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए, हमें जाली बनानी है यहाँ, और इन फंदों को, 5 फंदों को एक साथ बुनना है। तो जाली हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे धागे को घुमा कर ले आएंगे। अब इन फंदों को देखिए ऐसे खोल लेंगे, जो हमने डबल धागे के साथ बुनते, और एक साथ देते हुए देखिए इन फंदों को, देखिए यहाँ नीडल पर 5 का एक कर देंगे। देखिए, अब फिर से यहाँ पर हमें जाली बनानी है, और ये वाला फंदा में हमारा सीधा आता है, तो हम जाली को ऐसे यहाँ धागे को आगे रखते हुए ऐसे जाली बना लेंगे। देखिए, अब फिर से 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, ध्यान से देखिएगा आप एक बार फिर से, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो जाली ऐसे घुमाते हुए धागे को ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हमें उल्टे साइड में फंदों को घटाना है। तो ये 5 फंदों को खोलते हुए एक कर देंगे,
अब ये फंदा हमें सीधा बुनना है, तो धागे को आगे रखते हुए इस फंदे को जाली बनाते हुए ऐसे सीधा बुन लेंगे। ठीक है, तीन फंदे लास्ट के ये उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये देखिए, जाली वाले फंदे को तो हम सिंपल बुन लेंगे। अब ये जो हमने बीच पे पांच फंदों का एक किया था, यहाँ तीन फंदे बनाएंगे, एक धागा आगे ला के फिर से इस फंदे को बुनेंगे, तो ये हमारे देखिए तीन फंदे हो गए। इस फंदे को सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये फंदा सीधा बुनेंगे, और इस फंदे में से हम तीन फंदे बनाएंगे। ये देखिए, ये फंदा सिंपल बुनेंगे। तो जो फंदे हमने यहाँ पर कम किए थे, वो हमारे यहाँ पर फिर से पांच फंदे हो गए हैं। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई फिर से वही, जैसे फंदे नजर आएंगे, देखिए तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, ये पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे। तो सिलाई भी कंप्लीट हो गई। देखिए, अब यही हमारी छह सिलाई बार बार रिपीट होंगी, यानी कि फिर से हम यहाँ सिंपल दो सिलाई बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए, दो सिलाई सिंपल बुनेंगे, जैसे फंदे नज़र आएंगे ऐसे बुनेंगे। तो दो सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, आपको फिर एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए, दो सिलाई हमने सिंपल बुन ली, यानी सीधी तरफ से भी जो फंदे जैसे नज़र आए और उल्टी तरफ से भी। अब देखिए, यहाँ से फिर से वही पैटर्न बनाएंगे। एक दफ़ा फिर से देख लीजिए आप, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सिंपल, एक फंदा डबल धागे के साथ, एक फंदा सिंपल, एक फंदा डबल धागे के साथ, एक फंदा सिंपल, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सिंपल, एक फंदा डबल धागे के साथ, एक फंदा सिंपल, एक फंदा डबल धागे के साथ, एक फंदा सिंपल, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे देखे सीधे। तो सिलाई कंप्लीट हो गई। देखिए, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और जाली बनाते हुए ये पांच फंदों का एक करेंगे। तो इन फंदों को ऐसे खोलते हुए पांच फंदों का एक करेंगे, जाली बनाएंगे, सॉरी जाली ऐसे भी बना सकते हैं, और हम यहीं धागे को आगे रखते हुए भी जाली बना सकते हैं ऐसे। तो जैसे जब भी आपको आसान लगे, तीन फंदा उल्टे, एक फंदा सीधा, जाली बनाते हुए पांच फंदों का एक करेंगे, धागे को आगे रखते हुए जाली बनाएंगे, और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, तीन फंदे उल्टे। देखिए, तीन फंदे सीधे, एक फंदा सिंपल, और एक फंदे में से हम तीन फंदे बनाएंगे। एक फंदा सिंपल यानी कि सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इसमें से तीन फंदे बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे। तो देखिए, बार बार हमारी यही छह सिलाई रिपीट होती जाएंगी, तो हमारा पैटर्न देखिए इस तरीके से बनकर आ जाएगा, और बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पैटर्न लगता है, बहुत ही देखने में। और इसे आप पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हैं, एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहें इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा डिज़ाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक और चैनल है अमेजिंग क्रोचेट ट्यूटोरियल के नाम से, वहाँ मैं क्रोशिया के पैटर्न सिखाती हूँ, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।